दोस्तों यहाँ पर हम डीडी फ्री डिश को लेकर ही बात करेंगे क्योंकि डीडी फ्री डिश को लेकर काफी बड़ी खबर सामने आई है। अगर आप भी डीडी फ्री डिश के ग्राहक हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। बताना चाहूंगा, आपको मालूम होगा कि कोरोना वायरस के चलते जितने भी चैनल्स हमें डीडी फ्री डिश में देखने को मिल रहे हैं वो अब धीरे धीरे हमारे लिए हटते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसों की तंगी हो गई है, उनके पास एडवर्टीजमेंट्स अधिक नहीं आ रही हैं जिसकी वजह से उनका जो पैसा है वो बन नहीं रहा है और यही कारण है कि ना तो वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे पा रहे हैं और ना ही वो डीडी फ्री डिश में बरकरार रखने के लिए पैसे ले पा रहे हैं। क्योंकि बेशक यहाँ पर कोई भी ई ऑक्शन होती है डीडी फ्री डिश में तो उसमें जो भी चैनल लॉन्च होता है, चाहे वो मान लीजिए एक साल के एग्रीमेंट के साथ क्यों ना लॉन्च हुआ हो, उसे इंस्टॉलमेंट में पैसे देने पड़ते हैं। एक साल जो पूरी रकम है वो नहीं देते हैं, इंस्टॉलमेंट में वह देते हैं। तो यहाँ पर जो है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन की ओर से मांग की गई थी कि जितने भी चैनल्स डीडी फ्री डिश में चल रहे हैं और कह लीजिए तो सभी ब्रॉडकास्टर्स ने भी ये मांग की थी कि हम जो है हमारे पास तो इतना पैसा है वो नहीं है कि हम अपने चैनल्स की फीस को आपको दे पाए, इसलिए हम चाहते हैं कि करीब हमें कुछ राहत दी जाए। तो यहाँ पर करीब जुलाई 2020 तक के लिए राहत मांगी गई थी कि डीडी फ्री डिश ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो हमें राहत दे सकता है क्योंकि वह भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो डीडी फ्री डिश और प्रसार भारती ने मिलकर फैसला लिया था कि हाँ हम इस पर कुछ सोच विचार करेंगे और उस वक्त जो हमें हिदायत नजर आ रही थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं ये तैयार भी हो गए हैं करीच फीस को माफ करने के लिए। लेकिन अब जो है जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करी है उसमें जो रिजल्ट्स है वो बिल्कुल उलट ही नजर आ रहे हैं। और रिजल्ट्स क्या आए हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो चलिए पहले एक बार इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो बताना चाहूंगा कि यहाँ पर प्रसार भारती और डीडी फ्री डिश की ओर से ब्रॉडकास्टर्स को राहत तो सिर्फ पैसों के बल पर नहीं दी गई है, केवल महीनों के बल पर दी गई है। यानी कि पहले जहाँ हमें उम्मीद थी कि करेज फीस को ही माफ कर देंगे तो ऐसा होता हुआ नहीं दिखाया, बल्कि प्रसार भारती ने कहा है कि हम 3 महीने का आपको समय देते हैं, 3 महीने तक की जो फीस है वो आप लेट कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास अभी पैसों की तंगी है तो कोई बात नहीं, 3 महीनों के बाद आप हमें उतनी पेमेंट दे दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर फीस को माफ नहीं किया गया है, यानी कहीं ना कहीं जो चैनल्स हैं वो मजबूर हो रहे हैं कि उन्हें अब यहाँ से अपने आप को हटाना ही पड़ेगा अगर उनके पास इतना अच्छा खासा बजट नहीं है। बेशक 3 महीनों की राहत दी गई हो लेकिन बाद में वो रकम तो चुकानी ही पड़ेगी ना, तो उस वक्त भी इतनी बड़ी रकम को एक साथ चुकाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। तो जो चैनल्स एग्री होंगे कि 3 महीनों की राहत हमारे लिए काफ़ी है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम 3 महीनों के बाद रकम पूरी चुका देंगे, तो वो चैनल्स तो हमारे लिए बरकरार रहेंगे, बने रहेंगे। लेकिन जो चैनल्स अपने आप को सर्वाइव करने में काफ़ी मुश्किल पैदा हो रही है तो वो जरूर डीडी फ्री डिश से हमें हटते हुए नजर आने वाले हैं। जो भी छोटे ब्रॉडकास्टर के चैनल होंगे वो जरूर डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म को कभी भी छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रसार भारती ने केवल 3 महीने की सीमा को बढ़ाया है फीस को देने के लिए, लेकिन करेज फीस को माफ नहीं किया है। यानी पैसे घूम फिर कर तो आपको देने ही पड़ेंगे। बाकी यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि करीब 4 से 5 चैनल्स और हैं जो कि हटने की तैयारी में है, वो चैनल्स कौन से हैं तो उसके बारे में भी जल्द ही आपके सामने हम खबर लेकर आएंगे। बाकी इसको लेकर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपको कोई पर्सनल खुद का क्वेश्चन है तो नीचे पूछने से अच्छा या मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर तीनों में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। नमस्कार।